प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आप बने हुए हैं YouTube चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे सिंजेंटा कंपनी के प्रोक्लेम सी प्रोडक्ट की। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि हमें इसकी मात्रा कितनी देनी है, कौन कौन सी फसल पर इसका छिड़काव करना है और कौन कौन सी सुंडी को ये कंट्रोल करता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्रोक्लेम सी इंसेक्टिसाइड, इसके अंदर टेक्निकल जो है इमामेक्टिन बेंजुएट 5% एसजी सोल्यूबल ग्रेनुअल्स, नॉन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। तो इसका हम जो स्प्रे कौन कौन सी फसल पर कर सकते हैं, चने की फसल पर, कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द, बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, बंद गोभी, मटर आदि फसलों पर जो है हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो बात करते हैं ये कौन कौन सी सुंडी को कंट्रोल करता है। तो ये तना छेदक को, फल भेदक को, तंबाकू इल्ली को, गुलाबी सुंडी को, गोप की सुंडी, इसके अलावा गटर पिलर, चितकबरी इल्ली, वाइट वॉर्म्स, थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। तो बात करते हैं इसकी कि इसकी डोज हमें एक एकड़ में कितनी देनी है। तो एक एकड़ में हमें इसकी डोज देनी है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ देनी है, 150 लीटर पानी के साथ जो हमें फसल पर अच्छे से छिड़काव कर देना है और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको अपनी फसल पर देखने को मिलेगा। तो इसका रिज़ल्ट की बात करते हैं, इसका रिज़ल्ट कब तक रहता है। तो इसका रिज़ल्ट जो है 15 से 20 दिन रहता है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है आपको, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जितनी भी तरह की इल्ली है सबको कंट्रोल करता है और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इसी के साथ आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।